गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, मॉर्निंग जी, बहुत शुक्रिया सर। थोड़ा शेयर कीजिएगा, क्या हम इस पोजीशन में आ गए हैं स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पंजाब के, अब तालीमी इदारे जो हम खोल रहे हैं फेजेस में खोल रहे हैं, ये दोबारा से बंद ना करने पड़े, आर वी गुड टू गो? जो पिछले दो हफ्ते से, तीन हफ्ते से, चार हफ्ते से आ रही हैं रिपोर्ट्स, आई थिंक वी आर इन अ पोजीशन राइट नाउ के मेरे ख्याल से जो इन्फेक्शन रेट है वो काफ़ी नीचे जा चुका हुआ है मेजॉरिटी इलाकों के अंदर, और आप देखना इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते हमने इसलिए खोल दी क्योंकि 10th और 12th के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं वो होने हैं, तो उनको अपना कैच अप करने में भी काफ़ी टाइम अभी चाहिए भी है, और मैं नहीं चाह रहा था कि एक एक्स्ट्रा वीक्स आया हो, सो दैट्स व्हाई। ठीक, अच्छा मुराद साहब, एक बड़ी चीज़ जो कि अल्लाह ना करे कि हम लाहौर में देखें या दीगर और शहरों में देखें, लेकिन इस्लामाबाद का एहतजाज जो तलबा का था वो आपने भी यकीनन देखा होगा, लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में खुदा ना खास्ता ऐसे हालात पैदा ना हो, हुकूमत वक्त ने कोई प्लानिंग कर रखी है इस हवाले से? आप कोरोना की बात कर रही हैं या एहतजाज की? एहतजाज की बात कर रहे हैं। देखिए, एहतजाज तो करना सबका हक है, मगर मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को अपने यही जो एहतजाज पे टाइम लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से पढ़ाई के पढ़ाई पे टाइम लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्टूडेंट्स का काम एहतजाज करना नहीं होता, स्टूडेंट्स का काम है पढ़ना। और मेरी हम इस हफ्ते जो है वो सारे मिनिस्टर्स की मीटिंग है, ऑल प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, एंड उसमें डिसाइड होना है कि क्या डेट्स और क्या आगे स्केड्यूल बन रहा है, और मेरी उसके अंदर यही है जो एडवाइस है कि मेरे ख्याल से एग्जाम्स जो है वो तो टाइम पे होने चाहिए, मगर मेरे ख्याल से सब्जेक्ट्स को कुछ कम कर देना चाहिए। अच्छा, यानी 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इनके सब्जेक्ट्स कम करने की सजेशन होगी? मेरी तरफ से तो यही सजेशन जाएगी, देखते हैं इंशाल्लाह ताला कि क्या डिस्कशन होती है। अच्छा, सबसे उसके ऊपर क्या फैसला। ओके, और सर ये भी डिस्कशन हो सकती है कि करिकुलम और कम किया जाए? नहीं, देखिए जो जरूरी सब्जेक्ट्स हैं उनको तो उनका तो एग्जाम हुए बगैर फिर आप आगे जा नहीं सकते ना। अच्छा, सो मैं देख रहा था कि अगर इलेक्टिव्स जो हैं या दूसरे जो हैं उसके अंदर अगर देखा जाए कि क्या बिल्कुल ही अहम है इस वक्त कि इसके बगैर आगे चला नहीं जा सकता। Okay. तो विल डिस्कस एवरीथिंग वंस द मीटिंग टेक्स प्लेस। वो अगले दो दिन इफ यू कैन शेयर कि आपकी राय में और आपकी सजेशन क्या होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके आपको लगता है कि इम्तिहान जरूरी हैं, होने चाहिए और वक्त पर ही होने चाहिए? वो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि बट यू कैन शेयर कि आपकी राय में और आपकी सजेशन क्या होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके आपको लगता है कि इम्तिहान जरूरी हैं, होने चाहिए और वक्त पर ही होने चाहिए? वो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे कहेंगे एकदम वो सब चीजें और अच्छे सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएंगे, बच्चों ने बहुत किताबें से करनी है बंद के मुराद राज साहब ने कह रहे हैं। एक मिनट लगेगा उसको, आग लग जानी है। लेकिन वो कहना शुरू कर देंगे मुरादराज साहब, आपको लोग थैंक यू कहना शुरू कर देंगे, आपको लोग बच्चों ने हीरो बना लेना है, दिलों का वजीर आजम बना देना है आपको। अच्छा मुरादराज साहब, लेकिन एक बात मुझे और बताएं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है कैंसल एग्जाम, अब हम कुछ सेलिब्रिटीज को भी देख रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि एजुकेशनल मिनिस्टर्स जो है इनको रिव्यू करना चाहिए, जब बार बार एक बात की जाती है कि एग्जाम्स होंगे, लाजमी होंगे, विदाउट एग्जाम प्रमोट नहीं करेंगे, और अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, चूंकि ज़रा ट्विटर टॉप ट्रेंड है इस वक्त, तो क्या ऐसी कोई डिस्कशन किसी तरफ से आपकी नज़र में आई कि अभी भी डिस्कस हो सकता है ये ऑप्शन कैंसल एग्जाम का? आपको लगता है कि नो वे एज सिंपल एज दैट, जितने मर्जी सेलिब्रिटीज आ जाएं, जो मर्जी आ जाएं, ये कोई बात नहीं है। आप देखेंगे बच्चों का पहले कितना नुकसान हो चुका है, और हम पिछली दफ़ा भी उनको पास कर चुके हैं बगैर एग्जाम के, इस तरह आप दो दो साल पास कर देंगे एग्जाम के बगैर, तो आप क्या जनरेशन आगे बनाने जा रहे हैं, किस किस्म के स्टूडेंट्स आप आगे निकाल रहे हैं? आई मीन दिस इज गोइंग टू बी जस्ट, तभी मैं कह रहा हूँ कि देखें इसमें मेरे ख्याल से बेहतर ये है कि हम लोग जब बैठेंगे इसके ऊपर कि देखें कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं, इन द सेंस ज़रूरी का मतलब कि आगे उन्होंने जब एडमिशन्स लेना है अपना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या आगे जो मूव करना है उसके लिए, तो आई थिंक उस ऑप्शन पे देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, एग्जाम कैंसिल करना इज़ नॉट एन ऑप्शन। ठीक, अच्छा मुराद साहब एक और चीज़, बच्चे ये भी तो मुतालबा कर रहे हैं ना कि थोड़ा और वक्त दे दिया जाए और इस वक्त में हम कुछ तैयारी कर लें,
वो वक्त मांग रहे हैं। तो ये जो वक्त मांगने वाला मुतालबा है, आपकी नजर में क्या ये दुरुस्त है? क्योंकि कल हम एक माहिर तालीम से बात करते हैं, उन्होंने कहा कि बच्चों का ये मुतालबा कि वक्त दे दें और फिजिकल क्लासेस के बाद कुछ अरसे के बाद इम्तिहान ले लें, ये मुतालबा दुरुस्त है? आप इस मुतालबे को कैसा देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि वक्त बिल्कुल अगर हम दे सके तो ज़रूर देंगे, क्योंकि पहले ही हम उसको काफ़ी आगे कर चुके हैं एग्जाम्स को। मगर ये देखें ना, ये सारा कनेक्टेड है आगे एडमिशन्स के साथ भी, यूनिवर्सिटी के साथ भी। आप एक चीज़ मूव करते हैं तो फिर आपको चार चीज़ें और भी मूव करनी बिल्कुल ऐसे। सो इसलिए विल हैव टू सी, इस पर पूरी डिस्कशन होगी इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ते अगले एक दो दिन के अंदर अंदर इस पर सारी। और क्या ये डिस्कशन भी होगी जो एक स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जब ऑनलाइन पढ़ा है तो फिजिकल एग्जाम नहीं ऑनलाइन एग्जाम लें, क्या ऐसी डिस्कशन भी हो सकती है कि डिस्कस करते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम क्या ऑप्शन है, पॉसिबल है? बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है आपकी सर। अब सर मुझे बताएं कि ये जो रवैया हमने स्टूडेंट्स का देखा है, क्या आई एम श्योर आपको भी दुख और तकलीफ हुई होगी कि जिस हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए उसमें डंडा और पत्थर देखा है हमने फैजाबाद में कुछ रोज पहले, तकलीफ दे मनाजर थे। बड़ा ही अफसोस हुआ मुझे, वो किसी की कार का भी आपने देखा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन मुझे समझ नहीं आती कि इस कॉम को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। और वो देखें, अभी भी आप जो दिखा रहे हैं टीवी पे उस गाड़ी का हशर देखें, किसका कितना नुकसान उस शख्स का कर दिया इन्होंने। आई मीन मुझे तो समझ नहीं आती कि स्टूडेंट्स पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। आपको मैं एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा और उसका वालिद पूरा सोशल मीडिया पे लगे हुए, हर जगह प्रेशर डाल रहे थे, एग्ज़ाम कैंसिल करें, एग्ज़ाम कैंसिल करें। आपको पता है कि मैं आपको ट्वीट भिजवा देता हूँ, उस बच्चे को गिटार पे गाना गाते हुए अपनी फैमिली के साथ नथिया गली में रिकॉर्डिंग की गई है। आई मीन कुछ तो शर्म आनी चाहिए इस तरह की चीज़ें करते हुए। एक तरफ आप प्रेशर डाली जा रहे हैं एग्जाम कैंसिल करें, दूसरी तरफ आप नथिया गली बैठे हुए बैठ के गाने गा। यानी सर इसका मतलब एग्जैक्टली इसका मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस माहौल में पेरेंट्स पर आती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं। जो बच्चा घर से बाहर निकल रहा है एहतजाज करने के लिए या बच्चा घर में बैठ के सोशल मीडिया पर जो एहतजाज कर रहा है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उसे देखेंगे वो क्या कर रहा है, वो अपना नुकसान कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मैं एक चीज इसमें आपको बताऊं, हर चीज हम गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं। बिल्कुल कि जी गवर्नमेंट सब कुछ करे। आई मीन पेरेंट्स